एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 204 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल स्टेज ए रैली फॉर द क्लीनिनेस कैंपेन दे वॉक थ्रू द लेंस इन टू ग्रुप्स वन ग्रुप वॉक थ्रू द लेंस ए बी सी एंड सी ए बी सी एंड सी ए वाइल द अदर ए सी सी डी एंड डी ए देन दे क्लीन द एरिया इनक्लोज विथ देयर लेंस AB equal to 9, BC equal to 40, CD equal to 15 meter, DA equal to 28 meter and angle B equal to 90 degree. Which group cleaned more area and by how much? Find the total area cleaned by the students. Means two groups of students went to clean and they went through two other paths. Dekhiye figure mein. Some students went through AB, BC and AC and some students went through AD, DC and AC and these are given AB equal to 9 meter. BC equal to 40 meter, CD equal to 15 meter, DA equal to 28 meter and angle B equal to 90 degree. At first we will find the length of AC. सबसे पहले हम लोग AC निकालेंगे क्योंकि एक ग्रुप जो है ABC को क्लीन कर रहा है मतलब इस एरिया को कर रहा है और दूसरा ग्रुप जो है इसको क्लीन कर रहा है ठीक है तो इस एरिया तो हम लोग निकाल सकते हैं बिना एसी निकाले इसकी एरिया निकाल देंगे हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कर देंगे निकल जाएगा बट इसकी एरिया निकालने के लिए हमें थर्ड साइड चाहिए सो एसी इक्वल टू एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर देन ए बी स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर बी सी स्क्वायर मीन्स 40 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 81 प्लस 1600 एंड इट इज इक्वल टू 1681 एंड आई थिंक इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 41 देयरफॉर ए सी इक्वल टू अंडर रूट 1681 and it is equal to 41 meter. So area of ABC. Area of ABC. Triangle ABC equal to half into base into height. कोई जरूरी नहीं कि हम हीरोज फार्मूला ही लगाएंगे ये 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो उसमें से वन साइड जो होगी वन आर्म जो होगी वो बेस हो जाएगी और वन साइड जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी आप क्लास टेंथ में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि हम लोग परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिटरमाइन करते हैं ऐसा नहीं है कि जिसको मन करेगा उसको बेस बोल देंगे जिसको मन करेगा उसको परपेंडिकुलर बोल देंगे लेकिन यहां पर क्लास नाइन्थ तक आप जिसको इच्छा हो हाइपोटेन्यूस नहीं हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है वो चेंज हो नहीं सकती परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग मीन्स राइट एंगल ट्रेंगल में हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता है परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है तो आप बीसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं या और एबी को भी मान सकते हैं जिसको इच्छा उसको मान सकते हैं हाफ इनटू बेस इनटू हाइट हाइट को कभी कभी एल्टीट्यूड भी कहा जाता है ना और हाइट की जहां भी बात आ जाए आप ये मान लीजिए कि वो बेस से 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा कहीं भी हाइट की अगर बात जैसे इस रूम की हम हाइट कहें तो जो हाइट होगी इसके ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी बात समझ रहे हैं ना तो हाइट जब आ जाए तो बिल्कुल श्योर हो जाए कि वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा हाफ इंटू बेस मीन्स 40
इंटू 9 मीटर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर, मीन्स एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर. एंड नाउ फॉर ट्रायंगल एडीसी, एडीसी एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, मीन्स 41 प्लस 28 प्लस 15 मीटर अपॉन टू. कैलकुलेशन थोड़ा चेक करिएगा सर, अगर गलत होगा तो बताएंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. नाउ 42 into 42 minus 1, sorry, 42 minus 28 and 42 minus 15. Forty-two into one into fourteen, and into seven, twenty-seven. R it is equal to 3 into 14 into 14 into 9 into 3. इसका भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है. मीन्स 3 into 3 into 14 meter square, 84 meter square. So area cleaned by second group. Suppose first group cleaned this area. So what value? कितना होगा सर? 126. So area cleaned by first group is greater than area cleaned by the second group. Means area of triangle ABC is greater than area of triangle ADC. Then at first area of figure first, area first, area first equal to S equal to 5 plus 5 plus 1 upon 2, 11 upon 2 centimeter. Area first equal to under root S into S minus A, S minus B, S minus C. Eleven upon two minus five into eleven upon two minus five and eleven upon two minus one. क्यों बोल रहे हैं सर? नई बात समझ में आ रही है, क्यों भन बना रहे हैं? थोड़ा कॉपी कलम चलाते रहिए, जहां गलत होगा मेरा बता दीजिएगा. वन अपॉन टू इंटू 1 upon 2 into 9 upon 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखिए 2 into 2 into 2 into 2 होगा, अपन 1 upon 4 तो हो जाएगा,
ये थ्री अपॉन फोर हो जाएगा, बट अंडर रूट 11 रह जाएगा। थ्री अपॉन फोर अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ये फर्स्ट का एरिया फर्स्ट वाला सही है। 11/2 या 1/2 या 1/2 या 9/2, तो ये 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 1/4 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, 3/4 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट वाले कह दिया मैंने। क्या हुआ निकालेंगे बाद में ना, एरिया ऑफ सेकंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी 6.5 × 1 cm². तब तक निकाले रहो, तुम इसका स्क्वायर रूट निकाले रहो, बोलिए क्या समझ में नहीं आ रहा है, लिख लीजिए ना कॉपी पर, लिखिए अंडर रूट लिख के 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 लिखिए ना कॉपी पर, खुद समझ में आ जाएगा, हो जाएगा 1/16 स्क्वायर रूट निकालेंगे 1/4 हो जाएगा, कॉपी पर वन लिखते रहेंगे तब ना समझ में आएगा। एंड एरिया 4 = एरिया 5 एरिया ऑफ 4 ये साइड हमको पता नहीं, तो इस साइड का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। एरिया 4 = ½ × base × height डोंट टच, area 5 also 4.5 cm² and now area 3rd area trapezium 5 पहले हम इसको निकालेंगे हम मान लीजिए इसको हम अलग बना ले रहे हैं फिगर, थोड़ा देखें ध्यान से, ये 1 सेंटीमीटर तो भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। तो इसका पहले एरिया निकालेंगे, सपोज करिए है पी क्यू आर, एरिया पी क्यू आर इक्वल टू एस कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे अंडर रूट s × s − a s − b s − c 1.5 × 1.5 − 1 × 1.5 − 1 × 1.5 − 1 1.5 × 0.5 × 0.5 × 0.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 0.125 × 1.5 = 1.1875 अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, या अभी रहने देते हैं, अब फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 0.1875 इक्वल टू 1/2 बेस इंटू 1 हाइट, टू का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एच इक्वल टू हो जाएगा 0.3750। यस सर 0.3750 इसकी हाइट हो जाएगी। मतलब इतना हम लोग केवल हाइट निकालने के लिए करेंगे, ये निकालने के लिए। अब स्क्वायर रूट इसका नहीं निकला है ना। यस सर ये गलत है, पहले इसका हाइट निकाले 1875। फिर 3 बार जाएगा 1.5 पैसे आएगा। मेरा गलत है ये तो दोनों तरफ से एरिया तो इक्वल आएगी। एरिया चाहे इसको सेलेस का निकाले चाहे ऐसा निकाले तो एरिया तो इक्वल आएगी ना, किसी भी तरह से निकालेंगे। आसान की बात नहीं होकर है कि 1.5 आ रहा है, मैं कह रहा हूँ 1.5 कहाँ आ रहा है, 0.43 आ रहा है। 0.5 × 0.5 × 0.5 होगा 0.433। कितना रहा है 0.433 के आगे भी जाएगा सर। 1 मिनट ए प्लस बी इंटू हाइट मीन्स कितना है हम लोग का हाइट हाफ इंटू 2 + 1 इंटू अंडर 3/2 3 × 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सारे एरिया को हम लोग ऐड कर लेंगे। टोटल एरिया इक्वल टू 3/4 निकालो एलेवन का। यस सर 3.31
2.4 है। एंड 6.5 प्लस 9 प्लस, ये 3 में अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपन 4 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम सर देखिए